फतेहाबाद शहर के हंस मार्केट में बीते दिनों बदमाशों द्वारा सरेआम एक युवक को पीटने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को काबू कर लिया है, जबकि इस मामले में तीन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हंस मार्केट में बीते दिनों एक युवक की 4-5 युवकों ने सरेआम बेरहमी से पिटाई कर इलाके में आतंक फैलाया था। इस घटने का CCTV भी वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और पुलिस ने इस मामले के 2 आरोपियों को काबू कर लिया है। DSP दलजीत सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले इनकी आपस में कहासुनी हुई थी और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई थी। इसी के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका हिसार के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बच रही है। ये इनका 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ है 17 को। तुलसी उर्फ निक्का है, इसको इन 5 आदमियों ने मिलकर पीटा है वहाँ आसपास मार्केट में, और इस पर 548 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो आरोपी है बलराज और सन्नी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पेश अदालत कर लिया है। ये तो पीछे से इनको वार्निंग और इनको धमकी दी गई थी, मानो या आपस में इनका पहले से ही हरंजिश है इनकी। तो किसने सर धमकी दी थी इनको? ये पहले निक्का का इनका आपस में था, इनका आपस में तो निक्का ने कहा था अभी मैं तेरे को देख लूंगा, कुछ ऐसी इनके आपस में थी, तो उससे पहले इन्होंने काउंटर अटैक किया। बाकी पूछताछ जारी इसमें है।